भोपाल में पिछले दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। शनिवार को दिन भर धूप के बाद अचानक बादल छाए, जिसके बाद शाम होते होते तेज बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते तापमान में काफी कमी आई है। जहां पिछले दिनों तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था, वहीं अब दिन का तापमान घटकर लगभग 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल में पिछले दो दिनों से मौसम ने करवट बदली है। तेज उमस के बाद हल्की बारिश ने मौसम में बदलाव का एहसास कराया। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक तापमान में इसी तरह की कमी की आशंका जताई है, जिसके बाद मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि पिछले 24 घंटे में शहर के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहा है। अगले कुछ घंटों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। नमस्कार, मैं अभिजीत चक्रवर्ती, मौसम विज्ञानी। पिछले 24 घंटों में पश्चिम मध्य प्रदेश में वाइड स्प्रेड रेनफॉल, पूर्वी मध्य प्रदेश में फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल दर्ज किया गया। सर्वाधिक रेनफॉल धार जिले में 152.2 मिलीमीटर दर्ज किया गया है। प्रेजेंटली सिनोप्टिक सिचुएशन की बात करें, जो कल की डेट में नॉर्थ वेस्ट एमपी के ऊपर जो साइसर था वो मूव करके अभी साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, तथा एक ट्रफ लाइन ऑफ नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी से होते हुए साइक्लोनिक सर्कुलेशन से होते हुए नॉर्थ वेस्ट बिहार तक जा रहा है। इसको देखते हुए जो फोरकास्ट से इशू किया गया है वो इस प्रकार है। आप मैप में देख सकते हैं, जो अपने पश्चिम मध्य प्रदेश के जो अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, दतिया, इन जिलों में हैवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है, तथा पूर्वी मध्य प्रदेश के सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना आदि जिलों में जो है आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है। और पूरे मध्य प्रदेश में ही थंडरस्टॉर्म की कंडीशन बनी हुई है, जिसकी वार्निंग इशू की गई है। कल की डेट में ये सिस्टम वीक हो जाएगा और हैवी रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगा, और दो तीन दिन बाद जो है रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी। शनिवार को भोपाल में सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर देखने को मिला। हल्की फुहारों के साथ दिन की शुरुआत हुई, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम ने फिर से करवट बदली और शाम को काले बादल छाने लगे। इसके साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे शहर के कई इलाकों में बिजली जाने के कारण अंधेरा छा गया। बारिश ने जल भराव की समस्या भी पैदा कर दी, जिससे लोग परेशान हुए। मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कटारा हिल्स, नर्मदापुरम रोड, पिपलानी, करोंद, अशोका गार्डन, एमपी नगर, अरेरा कॉलोनी, न्यू मार्केट, नीलबड़ और रातीबड़ में मध्यम से तेज बारिश का दौर रहा। यहां सुबह से बादल छाए रहे, जिसके बाद शाम को झमाझम बारिश शुरू हुई, जिससे तापमान में लगभग 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इस बार के मानसून सीजन में भोपाल में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। वैसे भोपाल में मानसून में करीब 37 इंच बारिश होती है, जबकि इस बार 50 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, यानी अब तक लगभग 33% ज्यादा बारिश का आंकड़ा देखने को मिला है।